कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। पहली खबर की तरफ, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 1,94,720 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 11.05% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9.82% तक पहुंच गई है। देश में अब तक 69.52 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। वहीं अब कई राजनीतिक नेता भी संक्रमित हो रहे हैं। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैप्टन ने बुधवार को एक ट्वीट कर बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझमें हल्के लक्षण है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपील है कि वो भी कोरोना की जांच करा ले। बता दें कि हाल ही में उनकी पत्नी परनीत कौर भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। तो कई राजनीतिक चेहरे भी अब कोरोना संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। अलग अलग दलों के नेताओं की बात करें तो कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं। बीजेपी से भी कई बड़े नेता, वो चाहे राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, या फिर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं अभी तक। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ट्वीट करके जानकारी दी और अपील की है लोगों से कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी कोरोना की जांच करवा ले और सुरक्षा बरते। साथ ही देश की बात करें तो देश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,94,000 मामले पूरे देश से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 1,94,720 मरीज मिले हैं। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 11.05% हो गई है। हालांकि इसमें मृत्यु दर कम है लेकिन तेजी से फैल रहा है कोरोना। 9.82% तक पहुंच गई है पॉजिटिविटी दर और देश में अब तक 69.52 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही उसकी टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज जितने मामले देश में सामने आए हैं, क्या कहेंगे उसको देखते हुए? बता दें कि देश भर में जो कोरोना का फैलने का गति है वो 10 के करीब पहुंच गया है। 10 के हर दिन अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट 10 पहुंच गया है। अब वहीं अगर देश भर के आंकड़े की बात की जाए तो विगत 24 घंटे में 1,93,000 मामले आए हैं। वहीं ओमिक्रोन की बात करें तो प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा मामले लखनऊ में आए हैं। और अगर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 44,000 केस अब तक एक्टिव हैं। और वहीं अगर बात की जाए लखनऊ की तो 1400 केस आए हैं। अब आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। वहीं सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी पुष्टि की है कि उन्हें कोरोना हो गया है। अब देखना ये होगा कि इस रिकवरी वेट जो है वो अपनी रफ्तार पे है और पॉजिटिविटी वेट 10 के करीब पहुंच गया है। तो सरकारें, जो प्रदेश सरकारें हैं, वो कैसे रोकथाम कर रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोरोना के सभी मामले प्रदेश सरकार के निगरानी में कंट्रोल किए जाएंगे। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो जिलों को कमान दे दी गई है कि जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बैठ आपस में मिलकर कोरोना के रोकथाम का काम करेंगे। और अगर वैक्सीन की बात करें तो बूस्टर डोज भी लगाने की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों की वैक्सीन भी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने बताया कि 50% बच्चों को, ट्विटर के माध्यम से 50% बच्चों को वैक्सीन लग चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जो छुट्टियां दी गई थी बच्चों को 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक जो ठंडिया की छुट्टी दी गई थी, तब तक उत्तर प्रदेश में क्या सभी बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाएगी? जी विभाषो, अभी तक कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे जो कि संक्रमित हो चुके हैं, बात करें राजनीतिक जगत से तो कौन कौन से ऐसे चेहरे अभी तक सामने आ चुके हैं?
जी अगर बात करें हम सेलिब्रिटीज की, राजनीतिक चेहरों की, तो लता मंगेशकर समेत अब तक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और आपको बता दें कि एक नई गाइडलाइन जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसे टेस्ट नहीं कराना होगा, और साथ ही साथ अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव निकलता है तो उसके साथ रहने वाले लोग को जरूरी नहीं है कि कोरोना हो और उसकी टेस्ट जरूरी नहीं है की जाए, सिम्टम मिलने के बाद उनकी जांच की जाएगी। गंभीरता देखने को मिल रही थी कोरोना के मामलों में, और अब ऐसा नहीं है। अब लोग अगर संक्रमित होते भी है तो घर में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और लोगों से दूरी बना लेते हैं, और दवाइयों और प्रिकॉशन डॉक्टर के द्वारा जो दी जा रही है उससे स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना कमजोर होता नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि अगर आपने बात की सतर्कता की, तो सतर्कता आप जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें विजुअल और जो भी माध्यम है देखने का उसमें आप देख सकती हैं कि साफ तौर पे लोग कोरोना के गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। 2 गज दूरी को जो बनाई गई है सीमा, उसको लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजेशन का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सभी पार्टियों के यहाँ मुख्यालय हैं और सभी मुख्यालयों पर देर प्रदेश के अनेक जनपदों से लोग आ रहे हैं और पूरी तरह से कोरोना से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां समाजवादी पार्टी की आज टिकटों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर प्रदेश के अनेक जिलों से लोग, कार्यकर्ता, प्रत्याशी टिकट मांगने आए हैं, जो पूरी तरह से ना कोई मास्क लगा रहा है ना कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें प्रवेश द्वार पे, तो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रवेश द्वार पे पहले टेम्परेचर लिया जाएगा, साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम रखा जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि अगर इस पे रोकथाम नहीं लगाई जाएगी तो कोरोना को के मामलों को बढ़ने में हम और मामला बढ़ाने में हम दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे और कई बड़े ऐसे राजनीतिक चेहरे भी है जो कोरोना के संक्रमण में आ रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने आज सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए सहयोगी दलों की बैठक बुलाई जिसमें सहयोगी दल शामिल हुए। इस बैठक में कृष्णा पटेल, ओपी राज व संजय चौहान, केशव देव मौर्य मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें ये बात साफ हो गई है कि शिवपाल यादव की पार्टी को 6 सीटें मिलेंगी। सपा से गठबंधन में 6 सीटों पर बात तय हो गई है। शिवपाल और उनके बेटे यानी आदित्य दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जसवंत नगर, गुन्नौर, सिरसागंज की सीट पाल के खाते में चली गई है, साथ ही आजमगढ़ और बरेली से भी एक एक सीट मिलेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अहम बैठक बुलाई गई थी आज अखिलेश द्वारा, और उसमें अब शिवपाल की पार्टी को 6 सीटें मिलेंगी, इस बात का खुलासा हो गया है। और इसी खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से 6 सीटों का खुलासा हो गया है कि शिवपाल के खाते में जाएंगी, कितनी बड़ी जीत है ये शिवपाल के लिए? बता दें कि शिवपाल यादव ने जब लोकसभा का चुनाव आया था और पिछले विधानसभा में, तो एक पार्टी की गठन की थी जिसका नाम प्रसपा रखा गया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार थी, मगर उसके चुनाव चिन्ह को इलेक्शन कमीशन के द्वारा बैन कर दिया गया और नया चुनाव चिन्ह स्टूल दिया गया, जिसके बाद वो अपने भतीजे के साथ मिलते हैं और 4.5 साल की कलह को दूर करते हैं। उसके बाद साफ तौर पर कहा गया कि अब शिवपाल यादव सपा के साथ गठबंधन में आ चुके हैं, और गठबंधन के बाद जो बीच में सीटों का बंटवारा हुआ उसमें 6 सीटें जो शिवपाल का खेमा उसे दिया गया है। आपको बता दें कि उनके बेटे आदित्य और शिवपाल को दोनों इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल ही लड़ते हैं या उनके बेटे आदित्य। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशियों की सूची या जारी की जा रही है, आज शाम तक उसको जारी किया जाएगा। इस दौरान जो उनके सहयोगी दल हैं, आरएलडी को छोड़कर सभी सहयोगी दल पार्टी कार्यालय में, जो लोहिया ट्रस्ट है उसमें बैठक हुई। उस बैठक में साफ तौर पे सभी जो पार्टियां हैं सीटों के बंटवारा को लेकर
विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, जिसमें शिवपाल यादव को 6 सीट अब तक कहा गया है कि 6 सीट दी जाएगी और अन्य दलों को का अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है कि कितनी सीटें दी जाएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरएलडी को पश्चिम में जो मजबूत मानी जा रही है उसको कितनी सीटें मिलती हैं। और अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभव जो सुहलदेव पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं उनको कितनी सीटें दी जाती हैं। और वहीं ओम प्रकाश राजभव का एक बयान आया है कि हम लखनऊ से निकलकर गाँव की तरफ जा रहे हैं। और इसी मीटिंग के दौरान किसान स्वराज पार्टी के जो योगेंद्र यादव हैं वो भी अखिलेश यादव से मिलने आए। अखिलेश यादव उनसे मिलने के बाद साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि नोएडा से सटे जो NCR इलाके हैं उसमें योगेंद्र यादव का अच्छा वहां पे पकड़ है। तो योगेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे मगर उनका समर्थन देख के लगता है कि समाजवादी पार्टी के तरफ रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन से पहले शह और मात का खेल जारी है, जहां बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समदी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर लिया है। वहीं हरिओम यादव के अलावा जो बीजेपी में सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है। हरिओम यादव सिरसागंज सीट से विधायक हैं, वो फिलहाल समाजवादी पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। हरिओम यादव को पिछले साल फरवरी 2021 में सपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उन पर पार्टी लाइन से हटाकर पार्टी विरोधी गतिविधियों कराने का आरोप लगा था। साथ ही अखिलेश यादव के निर्देश पर ये एक्शन हुआ था। वहीं इस बार टिकट नहीं मिलने से भाजपा में शामिल होने की वजह बताई जा रही है। तो यानी सपा विधायक हरिओम बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पिछले समय से यानी बीते कुछ समय से जो नाराजगी थी उसकी वजह से और इस बार सीट ना मिलने की वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये वजह बताई जा रही है। तो हरिओम यादव सिरसागंज सीट से विधायक हैं, वो फिलहाल समाजवादी पार्टी से निलंबित चल रहे थे और साथ ही हरिओम यादव को पिछले साल फरवरी 2021 में सपा से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था। उन पर पार्टी लाइन से हटकर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगा था। अखिलेश यादव के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया था। वहीं अब इस बार टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसी खबर भी सामने आ रही थी, अटकलें सामने आ रही थी कि जो है शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। और आज आखिरकार बीजेपी द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बैठक की गई, तो उसमें शामिल भी कर लिया गया। तो सपा विधायक हरिओम यादव जो कि एक बड़ा चेहरा है और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक भी है, उनको आज बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। बीजेपी ने सम्मानपूर्वक उन्हें अपने दल में शामिल किया है। आपको बता दें कि काफी समय से वो सपा के साथ थे और साथ ही उनका एक अच्छा और अलग खास ही रिश्ता है, जहां चुनाव से पहले ही शहमात का खेल देखने को मिल रहा है, राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। कुछ बीजेपी नेता बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं सपा से भी निकले हुए निष्कासित नेता या फिर जो है कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने काउंटर अटैक किया है, जहां बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थामा था, बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं बीजेपी ने भी आज काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर लिया है। एक तरफ रिश्तेदारी भी है और एक तरफ बड़ा चेहरा भी हरिओम यादव जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इनके साथ ही सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी अपनी तरफ शामिल कर लिया है बीजेपी ने। यानी कि आज 3 लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में, और जिसमें से एक कांग्रेस से भी हैं और सपा से हरिओम यादव हैं, जो कि रिश्तेदार भी लगते हैं, जिनका एक करीबी रिश्ता है सपा से। और सहारनपुर जनपद से बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी आज जुड़ चुके हैं और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी, यानी कि सपा से 2 और 1 कांग्रेस से विधायक आज बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। बड़ा काउंटर अटैक किया है बीजेपी ने और आने वाले चुनाव की तैयारियों में लगातार लगी हुई है, वो चाहे बीजेपी हो या सपा हो। तो आने वाला चुनाव काफी
दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो लगातार दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है वो काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि हर बार तो चुनाव में ये देखने को मिलता ही है कि दल बदल रहे हैं, लेकिन चुनाव से इतने कम वक्त पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ दल बदलने का दौर देखने को मिल रहा है, ये काफी हैरान करने वाला भी है। तो काफी दिलचस्प होता जा रहा है 2022 का चुनाव, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सपा, और बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर कमल खिलेगा, तो वही दूसरी तरफ सपा कह रही है कि 22 में बाइसिकल आएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से एक रिश्ता भी है समधी का, और अब सपा का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिखा जी, ये समाजवादी पार्टी के 3 बार के लगातार के विधायक रहे हैं, काफी वर्चस्व वाले विधायक हैं, सिरसागंज विधानसभा में काफी वर्चस्व वाले विधायक माने जाते हैं, लेकिन अब दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं जी। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका के रूप में देखा जा सकता है जी। और जिस तरह से दो और नेता भी आज शामिल हुए हैं, जिसमें से एक और सपा के ही नेता, एक कांग्रेस के नेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि काउंटर अटैक है ये बीजेपी की तरफ से। जिस तरह से कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन करी, तो आज 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या लगता है बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है? नहीं, ये बिल्कुल काउंटर अटैक है, और बीजेपी की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, आज उसका काउंटर अटैक का जवाब देते हुए हरिओम यादव को और दारा सिंह, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता, ये दोनों लोग माने जाते हैं जी। दारा सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए आज, और हरिओम यादव जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं जी, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। ये फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा निष्कासित चल रहे थे, क्या वजह थी इनके निष्कासन की? इनका लगातार यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं अक्षय यादव, उनके जो राष्ट्रीय महासचिव जो समाजवादी पार्टी के हैं रामगोपाल यादव, उनके साथ में लगातार इनका विवाद चल रहा था, लगातार इनकी तख्तियां बनी हुई थी। ये विवाद के बीच में इन्होंने अभी बीच में उनके खिलाफ कुछ बयान भी दिया था जी। और यही एक मुख्य कारण भी, और सीट, और सबसे बड़ी बात ये इसमें रही कि इनको विधानसभा का टिकट नहीं मिल पा रहा था, ये सबसे बड़ा कारण था जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे। वही अब अगली खबर बांदा से है, जहां सरकारी अनाज और खाद्य सामग्री में वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को मिलने वाले अनाज में जबरदस्त घटतौली की जा रही है, और साथ ही नमक, चना और रिफाइंड दिया ही नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार गाँव का दबंग है वो, और उसका बेटा दबंगई करता है, और गाँव के सभी दबे कुचले गरीब जरूरतमंद ग्रामीण कोटेदार के भ्रष्टाचार से बेहद परेशान है। वहीं कोटेदार फूलचंद्र का कहना है कि घटतौली उसकी मजबूरी है। फूलचंद्र के मुताबिक जिला पूर्ति विभाग के गोदामों से उसे घटतौली करके खाद्यान्न दिया जाता है, और उसी के हिसाब से वो ग्रामीणों को वितरण करता है। बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं। रिजवान, जो ये मामला सामने आया है जहां ग्रामीणों का आरोप है कि जो व्यक्ति है वो जो घटतौली कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, एक तरफ ये दुकानदार का कहना है, तो वहीं उस पर आरोप लग रहे हैं कि मनमानी करता है, दबंगई करता है। जी, इनसे का बताना चाहूंगा आपको, ये बांदा जिले के तहसील कलेक्टर पुरवा का मामला है, जहां से ग्रामीणों से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं हमको आज से नहीं जाने कब से जो है ये अनाज कम दे रहे हैं, और वहीं पे हम लोगों ने फूलचंद से बात की है, तो फूलचंद का कहना ये है कि हमको वहां से ही घटरौली करके जी कम दिया जा रहा है अनाज। तो क्या दबंगई देखने को मिल रही है, या फिर जिस तरह से दुकानदार आरोप लगा रहा है कि हमें पीछे से ही जो राशन मिल रहा है वही कम मिल रहा है, इस वजह से हम कम राशन दे रहे हैं? जी, यहाँ पे ग्रामीणों की जहाँ तक कहना है, मिली जानकारी के मुताबिक ये सूचना मिली है कि ये कोटेदार फूलचंद जो है दबंग है, और इसका बेटा भी दबंग है, दबंगई करके ये लोग जो है अनाज में घटरौली करके जाने कब से दे रहे हैं, और नमक तेल भी हम लोगों को नहीं मिलता है जी। रिजवान, जिस तरह से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, तो क्या शिकायत के बाद कोई एक्शन लिया गया है? जी, जो है जो हम लोगों ने जाके एसडीएम सदर से सुधीर सिंह से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हमने फूलचंद से बात करके उसमें कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो उन्होंने ये बोला है कि हमको घटरौली करके ऊपर से ही गन्ना कम मिलता है, इसलिए हम कम दे, तो हमने गोदाम पे ही जी बिल्कुल
जो भी जो है दोषी पाया जाएगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता रिजवान खान जुड़े थे बादा से। तो ग्रामीणों के अनाज में घटतौली का मामला सामने आया है और भ्रष्टाचार का ये जब मामला सामने आया तो इसकी शिकायत की गई और शिकायत के बाद ये बात सामने आई है कि जांच करी जाएगी और जांच में आरोपी पाया जाता है तो इस पे अब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।